देश में जब चुनाव होते हैं तो चाहे मुखिया हो या विधायक या सांसद, सभी जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और भोली भाली जनता भी इसी आस में अपना कीमती वोट देकर जिताने का काम करती है कि उनके द्वारा जिताए गए नेता उनका भला करेंगे। लेकिन सोचिए, आपने जिसको अपना रहनुमा चुना और वो ही कहीं लापता हो जाए तो फिर आपका भला कौन करेगा। ऐसा ही एक मामला बिहार के गया जिले से सामने आ रहा है, जहां नगर विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय कुमार कहीं लापता हो गए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा शहर में लगे हुए पर्चे बता रहे हैं। जगह जगह पर दीवारों पर ऐसे कई सारे पोस्टर चिपके हुए हैं जिसमें विधायक और सांसद के लापता होने की बात लिखी गई है। कोरोना काल में लापता होने का पर्चा कई जगहों पर चिपकाया गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की नजर पड़ रही है तो वह इसे देखकर हैरत में पड़ जा रहा है। और लोग भी यही कह रहे हैं कि 30 साल से गया के विधानसभा से विधायक रहे डॉक्टर प्रेम कुमार कोरोना काल में एक बार भी लोगों की समस्या के लिए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि गया के सांसद विजय कुमार भी अपने घर में ही डुबके नजर आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं का जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। पुलिस लाइन एरिया में रहने वाले ओम यादव व महिला कुसुम देवी बताते हैं कि सुबह में देखा गया कि किसी के द्वारा कई जगहों पर विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय कुमार का कोरोना काल में लापता होने का पर्चा चिपकाया हुआ है। उस पर्चा में लिखा हुआ है कि इन दोनों के बारे में बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बताया कि सच बात है कि कभी भी आपदा के समय ये लोग लोगों की परेशानियों को नहीं समझते हैं और अपने घर के एसी रूम में ही चिपके रहते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार घर पर बैठे बैठे ही प्रेस रिलीज जारी करते हैं, लेकिन प्रेस रिलीज जारी करने के से जनता की परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो सोचिए जनता ने जिसे वोट देकर जिताया था अपने मदद किए, जब वो लोग ही गायब हो जाएंगे तो फिर इनकी कौन सुनेगा।